Criteria of essentiality given by Arnon and Stott in 1939. ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई examinations में इससे रिलेटेड questions ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले examination में भी इससे रिलेटेड question ज़रूर पूछे जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फर्टिलिटी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो उसे एक आगे कंटिन्यू करते हुए असेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नंबर में 17 होते हैं, ये बात आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो इससे रिलेटेड सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और साथ में ये जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज होते हैं, तो उन सभी क्लासिफिकेशंस को हम इस वीडियो के दौरान कवर करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो से जो पहले का वीडियो है उसके अंदर हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें भी कवर कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो क्राइटेरिया है वो ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट प्लांट के लिए असेंशियल तभी होगा, असेंशियल मतलब बेहद ज़रूरी, असेंशियल उसे तभी कहा जाएगा जब वो इन तीन क्राइटेरियाज को फॉलो करता हो। क्या है ये तीन क्राइटेरिया, तीन बातें कौन सी हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि अ डेफिशिएंसी मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट टू कंप्लीट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि अगर इसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब उसकी कमी हो रही है, तो प्लांट जो है वो अपनी वेजिटेटिव स्टेजेस के अंदर और साथ में रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के अंदर, प्लांट की लाइफ स्टेजेस को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, वेजिटेटिव स्टेज और जब उसके बाद वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है तो उसे आगे की प्रोसेस जो है, आगे की जो स्टेजेस हैं उसे हम रिप्रोडक्टिव फेजेस कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेजेस और वेजिटेटिव फेजेस के अंदर कोई भी स्टेजेस को वो कवर नहीं कर पाएगा या अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो गई। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी कंडीशन है, तब उस एलिमेंट को हम क्या कह सकते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, क्योंकि बेहद ज़रूरी हो गया किस लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी हो गया, यानी एसेंशियल कह दिया। ओके, दूसरी चीज़ हम देखते हैं, डेफिशिएंसी इज स्पेसिफिक टू दैट एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो स्पेसिफिक होती है डेफिशिएंसी। ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं किसी एलिमेंट की कमी हो रही है, लेट्स से नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो फास्फोरस ज़्यादा दे दो प्लांट अपना काम चला लेगा, ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो नाइट्रोजन की ही अमाउंट हमें अवेलेबल करानी होगी, तभी वो क्या होगा, प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये डेफिशिएंसी स्पेसिफिक होती हैं, किसी दूसरे एलिमेंट से उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। ओके, तो दूसरा हम क्राइटेरिया ऐसे कहते हैं। जो तीसरा क्राइटेरिया वो ये है कि द एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, प्लांट की न्यूट्रिशन के अंदर और साथ में हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह जो देख रहे हैं उनके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ये एलिमेंट। ठीक है, अगर ऐसा है, ये तीनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं किसी एलिमेंट के लिए, तब उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहेंगे। और नंबर में कितने हैं ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट, आप ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर 17, यानी ये 17 हैं। ओके, तो ये जो 17 एलिमेंट्स हैं इनमें से सबसे नया लेटेस्ट कौन सा है, तो लेटेस्ट हम जो देखते हैं वो है निकल। अब लेटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कल परसों ही डिस्कवर हुआ है, लेटेस्ट का मतलब ये है कि सबसे नया मतलब ये है 1987, है ना, इससे पहले जो भी थे 16 जो थे पहले ही डिस्कवर हो गए, 17 नंबर पे कौन सा हो सकता है, तो हम कह रहे हैं निकल। निकल की खोज किन्होंने करी, तो हम देखते हैं ब्राउन, वेच एंड कैरी, तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। अब डिस्कवरी से रिलेटेड एक पूरा चार्ट जो है आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हो रहा है, है ना, तो इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो भी न्यूट्रिएंट है किसी का भी साइंटिस्ट आपसे पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि फेरस एफी, तो मैं इस चार्ट के ऊपर काफ़ी सारे मैंने स्टार्स लगा रखे हैं, तो इन स्टार्स वालों को तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जैसे कि वहाँ फेरस का लिख रखा है कि ग्रिस नाम के साइंटिस्ट ने उसे ढूंढा था, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ जितने भी हम देख रहे हैं अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनकी डिस्कवरी जो अलग अलग साइंटिस्ट ने करी है उन्हें याद रखना ज़रूरी होता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से। ओके, और हम देख रहे हैं कि आर्नन और स्टॉट, आप उसी चार्ट में देखिए आर्नन और स्टॉट ने किसकी खोज करी है, जिन्होंने क्राइटेरिया दिया है उन्होंने किसकी खोज करी है, तो मॉलिब्डेनम, एमओ की, है ना, तो मॉलिब्डेनम। तो इस तरह से हमने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जो भी हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। ओके, और साथ में इस वीडियो से पहले के वीडियोज़ में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री और साथ में पेडोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दीज 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, 17 एसेंशियल एलिमेंट हैं उन्हें कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्लासिफिकेशन जो है इनकी मिनरलिक होने के और नॉन मिनरलिक होने के ऊपर है,
मिनरलिक होना और नॉन मिनरलिक, इनके नेचर के ऊपर है। जैसे कि तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम बेसिक एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट या साथ में नॉन मिनरलिक एलिमेंट कह सकते हैं। क्या बोला मैंने? बेसिक एलिमेंट, नॉन मिनरलिक एलिमेंट या साथ में जिन्हें हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं, तो वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स का हम देखते हैं प्लांट के अंदर कितना परसेंटेज है, मतलब उनकी ड्राई मैटर के अंदर कितना है इनका परसेंटेज। तो देखते हैं कार्बन 45% है, ऑक्सीजन भी लगभग 45% है और हाइड्रोजन लगभग 6% है। तो ये जो 45, 6 और 45, ये परसेंटेज भी आप याद रखें। इसको जब सम अप करेंगे, जब मिलाएंगे, तब हम देखेंगे कि लगभग ये जो CHO जो है 90-95% ऑफ ड्राई मैटर है प्लांट का। प्लांट का ड्राई मैटर के अंदर मेजर कौन है? तो हम देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट है, इन्हें प्लांट कहाँ से रिसीव करता है, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स जो हम देखते हैं वो है एटमॉस्फेयर, यानी हम देखते हैं टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में पानी और हवा, इससे ही इनका काम चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि वाटर H2O से H और O मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मिल जाता है। तो कहने का मतलब एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मिल जाता है, फोटोसिंथेसिस से ये दोनों लिए जाते हैं, CO2 H2 जानते हैं हम, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ CHO जो है वो मेजर ड्राई मैटर क्रिएट करता है। ओके, और साथ में आपको ये भी पता होगा कि अगर हम देखते हैं प्लांट को एकदम जला दिया जाए, उसके पीछे राख बचेगी, है ना, जो ये ऐश बचेगी, राख जो बचेगी, उसके अंदर हम देखते हैं कि मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में भी निकल सकते हैं। तो उससे जो पीछे ड्राई मैटर बचेगा उसमें दूसरे न्यूट्रिएंट रहेंगे, इसलिए हम देखते हैं राख को कई जगह हम देख सकते हैं इस तरह से खाद के रूप में भी काम में ले लेते हैं। स्लैश एंड बर्न वाली जो कंडीशंस होती है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसके अंदर ऐसा होता है, आपको पता होगा। दूसरा हम देखते हैं नॉट प्रोवाइडेड बाय द यूजिंग फर्टिलाइजर। जैसा कि हमने देखा ये प्लांट एटमॉस्फेयर से ही लेता है, तो इसके हम फर्टिलाइजर से अलग से एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं सुना होगा कि यार प्लांट को ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ रही है कि ये फर्टिलाइजर डाल देते हैं, हाइड्रोजन की बहुत कमी है ये डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप जानते हैं CHO जो है वो प्लांट अपने आप हम देखते हैं एटमॉस्फेयर से ले लेता है। और हम देखते हैं कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम मिनरल एलिमेंट्स कह रहे हैं, मिनरल एलिमेंट्स जो है वो लगभग 14 हो गए, क्योंकि तीन ये हो गए तो बचे कितने, 14। तो ये 14 में को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ये अच्छे से आप लोग पहले पढ़ के आए हैं क्लासेस के अंदर कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है और माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें हम देखते हैं प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो वो कौन से हैं, मैक्रो एलिमेंट। और जो कम चाहिए उसमें क्राइटेरिया PPM के रूप में याद रख लो, 1 PPM, 1 PPM से ज़्यादा चाहिए तो मैक्रो में आ जाएगा, 1 PPM से कम चाहिए तो उसे माइक्रो के अंदर कंसिडर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है इन्हें भी क्लासिफाई कर देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो इन 6 के अंदर, वैसे टोटल कितने हैं ये, 3 and 3, 6 हैं, तो इन 6 में से भी ज़्यादा कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए गए तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो कौन कौन से हैं, NP और K, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा हम देख रहे हैं सेकेंडरी एलिमेंट जो कि हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। याद रखिएगा NPK CMGS, NPK CMGS, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट में आ रहे हैं। साथ में जो अभी यहाँ आपने जाने बेसिक न्यूट्रिएंट जो हैं या नॉन मिनरलिक न्यूट्रिएंट हैं, ये भी वास्तव में क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 6 ही हैं, 6 और ये 3, 9 है टोटल में, इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ लिख दिया मैंने साफ साफ कि टोटल मैक्रो न्यूट्रिएंट है कितने, 9 है। जब यहाँ डिवाइड हुआ होता है ना दिमाग में एक इमेज बनी हुई होती है तो हमको लगता है कि ये 3 नहीं थे, नहीं भाई 6 और ये 3, 9 हैं टोटल मैक्रोन्यूट्रिएंट, याद रहेगा हमें। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अच्छा एक पॉइंट यहाँ लिखा है कि इसने सेकेंडरी एलिमेंट्स को हम अलग से अमेंडमेंट के रूप में भी प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए हम अमेंडमेंट न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, इस टर्म को भी याद रखिएगा। ठीक है, और हम जो देखते हैं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपने किस तरह से ट्रिक बना के कभी याद किया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अभी जो है आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये 8 हैं टोटल नंबर के अंदर, है ना। तो हम लोग तो बिना मतलब देखो खुद से ट्रिक है, ये ट्रिक तो बोलना भी नहीं चाहिए इतनी गंदी है, जैसे कि फेकुमंजन बमोकलनी, मतलब कुछ भी बना दिया लेकिन ये मुझे याद रहता है फेकुमंजन बमोकलनी, तो मैं इससे याद रख लेता हूँ कि फेकू में फेरस है, कॉपर कू मतलब कॉपर है ना, तो ये मुझे मेरे लिए काम करती है ट्रिक। लेकिन अगर आपको कोई अलग ट्रिक याद है या आप खुद बना सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, है ना, ताकि मैं अच्छी ट्रिक भी याद कर सकूँ। तो ये भी है एक फेकुमंजन बमोकलनी जो है, जिसके थ्रू आप माइक्रो न्यूट्रिएंट याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि ये 17 एलिमेंट का एक जनरल क्लासिफिकेशन जो है वो क्या हो सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को फोकस करते हैं, जैसे कि पूछते हैं कि इंडियन सॉइल्स के अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी देखी जाती है। तो आंसर पहला आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यूनिवर्सली डेफिशिएंट एलिमेंट भी कहा जाता है। तो आपसे पूछे डायरेक्टली कि इंडियन सॉइल्स में कौन सा न्यूट्रिएंट
सबसे कम है, डेफिशिएंट है, तो क्या जवाब दोगे? नाइट्रोजन है। आपसे पूछे कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट देखते हैं डेफिशिएंट है इंडियन सॉइल में, तब आप कहेंगे जिंक, ZN, जिंक, जिंक नहीं है ऑप्शन में तो कह सकते हैं बोरॉन। जिंक एंड बोरॉन जो है इंडियन सॉइल्स के अंदर डेफिशिएंट लिखे जाते हैं, है ना। ऐसी स्पेसिफिकली बातें अलग अलग क्लासेस में बताई जाती हैं टीचर्स के थ्रू, तो मैं अभी आपको बस पास कर रहा हूँ उसे, तो आप याद रखें तो रख लीजिएगा कि इंडियन सॉइल्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट में किसकी कमी है, जिंक एंड बोरॉन की। माइक्रो न्यूट्रिएंट में किसकी कमी है, नाइट्रोजन की, ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ साथ में कभी कभी सल्फर भी मेंशन किया जाता है, लेकिन मेन तो नाइट्रोजन ही है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द माइक्रोन्यूट्रिएंट, पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा खोजा गया था, तो वो भी जो चार्ट आया था ना उसमें नोटिस करिए, एफी, फेरस, फेरस जो है वो क्या है, सबसे पहला खोजा गया माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ई ग्रिस नाम के साइंटिस्ट ने उसे है ना खोज करी है, तो उसे अल्टीमेटली आप सारों को याद रखेंगे तो उसमें आपको ये भी याद रहेगा कि भाई साहब कि फेरस की खोज सबसे पहले है माइक्रोन्यूट्रिएंट में, याद रहेगा। तो इस तरह से हमने कुछ इधर उधर की बातें, इंपॉर्टेंट बातें भी याद कर ली, एसेंशियल न्यूट्रिएंट का एक कॉमन सा क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस भी हैं आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ओके, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है आयनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को प्लांट आयनिक फॉर्म में लेते हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। आयनिक फॉर्म में भी अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कि रिड्यूस्ड फॉर्म में या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, तो आप क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है ना। याद रखिएगा प्लांट्स जो है एलिमेंट्स को रिड्यूस्ड फॉर्म में लेना पसंद करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और कैटायनिक फॉर्म और एनायनिक फॉर्म आप जानते हैं, आयन दो तरह के होते हैं। कैटायनिक फॉर्म के अंदर जैसे कि अमोनियम भी है, नाइट्रोजन अमोनियम फॉर्म में भी हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड निकल, है ना, निकल प्लस टू होना चाहिए यहाँ पे। खैर अभी आपको याद रखना है कि ये कैटायनिक फॉर्म में लिए जाते हैं, और एनायनिक फॉर्म में कौन से लिए जाते हैं तो हम देखते हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड और बोरॉन का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोरॉन और मॉलिब्डेनम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, याद रखिएगा अच्छे से, है ना, कि बोरॉन जो है वो H3PO3 के रूप में भी आ सकता है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, ना ये कैटायन रहा ना ही एनायन रहा, एक कंपाउंड के फॉर्म में ले लिया H3PO3। लेकिन अगर मेंशन करना है कि नहीं मेरे पास ऑप्शन नहीं है, या तो कैटायन करना है या एनायन करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा एनायनिक फॉर्म। एनायनिक फॉर्म्स क्यों, क्योंकि ये HBO3-2 और BO3-2 तो कहने का मतलब एनायनिक फॉर्म में भी लिया जाता है, तो इसलिए हम इसे एनायन के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। और जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट और कौन सा है, मॉलिब्डेनम, है ना, मॉलिब्डेनम MOO4-2, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा, ये फॉर्म पूछी गई है कई बार, MOO4-2, अच्छे से याद रखिएगा। अब इसमें से आप खुद छांटिए कौन सी कंबाइंड फॉर्म है, कौन सी अनकंबाइंड फॉर्म है। कंबाइंड फॉर्म जिनका कोई साथी है, लेकिन अनकंबाइंड फॉर्म जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं है से मेरा मतलब ये है, जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ, जैसे कि पोटेशियम अकेला है और कैल्शियम अकेला है, मैग्नीशियम अकेला है, सब अकेले हैं, तो ये जो है अल्टीमेटली क्या है, अनकंबाइंड फॉर्म है। लेकिन कंबाइंड कौन सी है, जैसे MOO4-4, चार चार ऑक्सीजन है इसके पास, तो ये भाई बड़े लोग हैं, और अब बोरोन इसके पास BO3, HBO भी है। तो कहने का मतलब इससे आप अपने आप छांटिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कौन कौन से कंबाइंड है, कौन कौन से अनकंबाइंड है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ अलग से नोट लगा के लिखा गया है कि नाइट्रोजन दोनों फॉर्म्स में लिया जा रहा है, अमोनियम फॉर्म में भी और नाइट्रेट फॉर्म में, दोनों फॉर्म में लिया जा रहा है, कैटायनिक फॉर्म में भी, एनायनिक फॉर्म में भी, है ना। कौन से, अमोनियम फॉर्म जो है वो पैडी फील्ड्स यानी वाटर लॉक कंडीशन जो है राइस वाली, उसमें अमोनियम फॉर्म में लिया जाता है नाइट्रोजन, जबकि जनरली नाइट्रेट फॉर्म में, यानी जो नॉर्मल प्लांट्स हैं, लेग्यूम्स वगैरह, वो नाइट्रोजन कैसे लेंगे, नाइट्रेट जो सीरियल्स वगैरह भी हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में लेंगे। और हम देखते हैं अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, तीन मैकेनिज्म होती हैं अपटेक की, जिसमें से पहला होता है मास फ्लो, दूसरा होता है डिफ्यूजन और तीसरा होता है रूट इंटरसेप्शन। तो उनमें रूट इंटरसेप्शन पे तो कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं बताते हम, मोस्टली कोई भी एलिमेंट जो है वो रूट इंटरसेप्शन से लिया जा सकता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली बताया जाता है कि मास फ्लो से कौन से अंदर जाएंगे, तो मास फ्लो से नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जाएंगे, याद रख लीजिएगा। डिफ्यूजन से कौन से अंदर जाएंगे, तो हम देखते हैं पोटेशियम एंड फॉस्फोरस और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली बताया जाता है, तो मैंने भी यहाँ मेंशन किया, याद रखिएगा। और साथ में जिंक इज टेकन बाय ऑल ऑफ थ्री प्रोसेसेस, तीनों, ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि ऐसा एलिमेंट बताओ जो रूट इंटरसेप्शन से भी लिया जा सकता है, जो मास फ्लो से भी लिया जा सकता है और जो डिफ्यूजन से भी लिया, तो इन दोनों में भले जिंक ZN मेंशन कर लीजिएगा, तो याद रख लेना कि जिंक जो है वो तीनों प्रोसेस से लिया जाता है। तो इस तरह से एक और क्लासिफिकेशन और रिलेटेड बातें जान ली। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और, यानी मोबिलिटी का क्लासिफिकेशन और पढ़ लो यार, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई नो मेरे वीडियोस काफ़ी लेंदी होते हैं,
टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुझे लगता है एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोबिलिटी के बेसिस पे न्यूट्रिएंट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि कौन से एलिमेंट मोबाइल हैं, कौन से चल फिर सकते हैं, और कौन से इमोबाइल हैं जो चल फिर नहीं सकते, और कौन से जो है वो प्लांट्स के अंदर मोबाइल हैं, और कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉइल में मोबाइल या इमोबाइल हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से इस टेबल को भी याद करेंगे हम कि प्लांट के अंदर जैसे क्लोराइड, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम और NPK, ये छह लोग जो हैं वो प्लांट में चल फिर सकते हैं, लेकिन प्लांट में कौन नहीं चल पाता, इधर उधर नहीं हो पाता, तो याद रखना है बोरोन एंड कैल्शियम। ये तो अच्छे से याद रखना ही है कि बोरोन एंड कैल्शियम आर इमोबाइल, लेकिन साथ में इमोबाइल के साथ में ये चीज़ें भी लिखी गई है। इमोबाइल में और कौन कौन से हैं, जैसे कि कॉपर, फेरस, मैंगनीज, और हमने लिख रखा है जिंक एंड सल्फर, राइट। तो ये देखिए, ये जो अलग से मैंने लाइन बदल के लिख दिया, क्यों लिखा है, क्योंकि इन्हें लेस मोबाइल भी लिख सकते हैं हम। कई बार इसे इमोबाइल ना मेंशन करके लेस मोबाइल कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर स्पेसिफिकली इमोबाइल ही पूछे तो बोरॉन एंड कैल्शियम है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं हो कि भाई इनको ये सारे आ गए तो क्या करेंगे, उसे इमोबाइल कंसिडर करना ही पड़े, तो उसे इमोबाइल भी कर सकते हैं। वैसे IEEE जो बुक है वहाँ से मैंने और देखा तो उसमें इमोबाइल ही कंसिडर किया गया है इन सारों को, कॉपर, फेरस, मैंगनीज, जिंक एंड सल्फर को। तो इसलिए आप इसे इमोबाइल के रूप में याद रख सकते हैं, लेकिन याद रखना है एक नोट पॉइंट के रूप में कि ये कभी कभी कुछ बुक्स में लेस मोबाइल के रूप में भी बताए जाते हैं, तो लेस मोबाइल तो इमोबाइल ही बोल दिया, तो इसलिए ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते आपका कि सॉइल के अंदर मोबाइल कौन से हैं। सॉइल में बोरोन, क्लोरीन, नाइट्रेट एंड सल्फेट जो है वो मोबाइल हैं, चल पड़ सकते हैं। देखिए, नाइट्रेट और अमोनियम दो फॉर्म्स, नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज इमोबाइल इन द सॉइल। इमोबाइल कौन सी कहेंगे, अमोनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोबाइल इन द मोबाइल इन द सॉइल, मोबाइल पूछ लेगा तो नाइट्रेट कर देंगे, राइट। और हम देख सकते हैं अमोनियम, कैल्शियम, कॉपर, फेरस, मॉलिब्डेनम, ये हो गए फॉस्फेट्स, मैग्नीशियम एंड निकल एंड पोटेशियम, ये सारे क्या हैं, सॉइल के अंदर इमोबाइल है, ये लोग नहीं चल पाते, याद रखिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, क्या है कि फॉस्फोरस इज हाईली मोबाइल इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ही ये हाईली मोबाइल में चल फिर सकता है फॉस्फोरस, लेकिन बट इमोबाइल इन द सॉइल, ये सॉइल के अंदर कैसा है, इमोबाइल फॉर्म के अंदर होता है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ये अलग से फॉस्फोरस पे पूछा जाता है तो अलग से मैंने लिख दिया है, याद रखेंगे। ये आपको ऑलरेडी मालूम है कौन कौन से एलिमेंट मेटेलिक फॉर्म में है, कौन कौन से नॉन मेटेलिक फॉर्म में है ना, मुझे पढ़ने के बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा नोट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने, और साथ में क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी जो वर्ल्ड फेमस, दुनिया में सबको मालूम है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस होता है ना, आपको ऑलरेडी पता भी था या कुछ नहीं पता था तो रिवाइज हो गया, तो इस तरह से हमने जाना। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया उसकी PDF फॉर्मेट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। साथ में इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो इसी तरह की वीडियो, उसके लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।